कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। आज नगर पालिका अध्यक्ष खुद निकले स्वयं अपने काफिला के साथ और सावन को लेकर और ताजिया को लेकर। इस हिसाब से नगर अध्यक्ष जी चिंतित में हैं और काफी चिंतित में। आप देख सकते हैं कितना काफिला इनके साथ में है और यहाँ पर इन्होंने विद्युत विभाग को भी संकेत दिया और यहीं पर नगर अध्यक्ष जी मुआयना कर रहे हैं चौराहे और गलियों का। सर आज आप चौराहे पे आए हैं, सर इसका माध्यम क्या है? सावन को लेकर, ताजियों को लेकर? मुहर्रम है और सावन है, उसकी तैयारी तहत जो लाइटें हमारी नहीं जल रही उनको जलवाने का, कहाँ क्या दिक्कत है उसको देखने ही निकले हैं। गड्ढे लगभग हमारे सब भर गए हैं, अब सावन की तैयारी और यही सब व्यवस्थाओं को निकले हैं। लाइट दिन में समझ में रात को क्लियर हो रहा, बिजली विभाग साथ में, नगर पालिका स्टाफ साथ में, तुम देखने निकले हैं कैसे क्या। और सर आज जो आज बाइक से आप जो निकले हैं उसके विषय में थोड़ा क्या संदेश है? हम तो पूरा जीवन पैदल बाइक से घूमे। आज जो अलग कुछ दिखा है सर, घटना से कार्यकर्ता अभी कुछ पार्टी का दायित्व तो है, पार्टी ने और नगर ने सेवक बना दिया तो सेवक बनने में मतलब कार्य शुरू करना हो। देखिए आप काफिला पूरी तरह से तैयार हो चुका है, थोड़ा इधर भी लेने मिलती है। और जब कोई नगर में ऐसा कार्य होता है, सर आज आपकी क्या भूमिका है? आज हम लोग नगर में जो सावन मेला होने वाला है उसमें कहीं पे भी किसी रोड पे अंधेरा ना रहे, हाँ ये देखने के लिए। देखिए काफी भूमिका रहती है भाई साहब की, और देखिए नगर के अंदर और भी और मैं इनका भी एक बड़ा फैन हूँ, इनका लुक जो है मुझे बहुत ख्याल करता है। सर आपको हमेशा मैंने देखा है सुर्खियों में और हर जगह, आज जो भ्रमण निकला है पहली बार गोला में नगर में देखने वाले सावन को, तक उस विषय को लेके आपकी क्या निश्चय रहा? हमारे पास नहीं है आदमी को समस्या ना हो, सावन को देखते हुए तो ताजिया जो है चौथे पे जी। धन्यवाद। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर नगर अध्यक्ष जी की बाइक रैली निकल चुकी है सावन को लेकर और काफी डैशिंग और हैंडसम हमारे सभी हैं और पूरा स्टाफ है, क्योंकि बहुत एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में काम को लेकर। अभी सावन आने वाला है और ताजियों को लेकर आज मेरे लिए कोशिश बहुत जरूरी है। ताजिया तो आप कर ही रहे लेकिन सावन तो करें, लेकिन ताजिया में आपने सुना कि रोडों का भी, लाइटों को लेकर भी जी, इसमें थोड़ा देखिए सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्म है और मैं बोला हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई धर्म का हो सबके त्यौहार बड़ा सादगी से मनाए जाएं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बल्कि गोला क्षेत्र से बाहर गुरुद्वारा के आगे जंगल में रेलवे क्रॉसिंग के वो नगर सीमा का नहीं क्षेत्र, फिर भी वहाँ रावी डलवा के रोड बनवा के ताजिया दारू को ले जाने में ताजिया को दिक्कत ना हो और वहाँ कैंप भी लगेगा, ऐसी व्यवस्था हमने की है। तो ऐसा नहीं कि सबके साथ धर्म मतलब आपका मतलब कोई भेदभाव नहीं, नहीं, नहीं कोई नहीं, अगर मेरा सावन अच्छा है तो ताजिया का भी सारे मुहर्रम अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत एक्टिव जवाब दिया और आपको मैं बता दूं नगर अध्यक्ष के काफिला काफी दिन पे दिन बढ़ रहा है और युवा इन्हें बहुत प्यार कर रहा है। यहाँ से युवा आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो बोल चुके जो अब तक नहीं हुआ वो शुक्ला जी कर रहे हैं। देखिए अब तक जो नहीं हुआ वो शुक्ला जी कर रहे हैं। मैं निरंकर के क्या मेहमान सोम मिश्रा के साथ है। Right up.
लेबल लगा दो वो आगे इनकी मिट्टी है वो पेड़ है जो उसके आगे है वो वहाँ ये नहीं।